आई वुड रियली से कि ऐसे संत को ज़रूर छोड़ देना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये जो भी एलिगेशन लगाएंगे गलत है। जो इंसान प्रोस्टिट्यूशन जैसी लड़कियों को लाकर उनके ट्रीटमेंट्स करा कर उनकी शादी करवा रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाना इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। चीज़ों को अच्छे से छानबीन करना चाहिए और मेरे हिसाब से सदगुरु जी को छोड़ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, हमारे साथ आम जनता भी जुड़ रही है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं मंजू शर्मा जी, जो वेल एजुकेटेड हैं और ये फर्स्ट टाइम आज डेरा सच्चा सौदा में विजिट करने आई हैं। इनसे जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा को लेकर। मंजू शर्मा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? आई हैव डन एमकॉम। ओके मैम, आज आप डेरा सच्चा सौदा में पहुंची हैं, कैसा इन्वायरमेंट लगा आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ पे आके बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बिकॉज मैंने काफ़ी जगह पर विजिट किया जैसे राधा स्वामी एंड ऑल में भी, बट नोइंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स, कुछ दोस्त हैं जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मैं इतना इन्फ्लुएंस हुई, तो मैंने सोचा एक बार विजिट करके देखना चाहिए कि वहाँ पर ऐसी क्या पॉजिटिविटी है, कि आज के यूथ मतलब इतना अल्कोहल फ्री और ये सब कैसे रह सकते हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ लोग। लेकिन मैम आपको डर नहीं लगा यहाँ आते हुए? क्योंकि काफ़ी कुछ 4 साल पहले देखने में आया था न्यूज़ चैनल्स में, आश्रम के बारे में दिखाया जा रहा था। नहीं बिल्कुल, ऐसा तो डरने वाली तो खैर मुझे कोई बात अपनी तरफ से फील हुई नहीं, बिकॉज जितना मैंने उनके बारे में नेगेटिव सुना ना, उससे ज़्यादा मैंने अपने दोस्तों में पॉजिटिविटी देखी है। अगर इतने वो नेगेटिव होते तो शायद मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि यूथ हैं, जो कि बहुत जल्दी डगमगा सकते हैं, तो वो अब तक शायद इनसे अलग हो चुके होते। बट मैं काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, इवन देर इज़ अ वन गर्ल हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और वो डेरे से जुड़ी हुई है, तो उसने मुझे इतना इन्फ्लुएंस करा, मैंने उसकी इतनी सारी चीज़ें देखी हैं। सुबह उठकर गाय को चारा डालना, छोटी छोटी चीज़ें करती है कि उनके गुरुजी ने सजेस्ट करते हैं, अपनी छत पर जाकर पानी रखना, कबूतरों को दाना देना। आजकल यूथ जनरेशन कहाँ इन चीज़ों में बिलीव करती है। इनफैक्ट उससे मैं इतना इन्फ्लुएंस हुई कि मैंने अपने घर पर भी ये चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। तो नेगेटिविटी भी नहीं है और डर जैसी तो कि मुझे बात लगी नहीं, तो मैंने सोचा एक बार विजिट ज़रूर कर देखना चाहिए। और यहाँ आकर मैंने बहुत सारी नई चीज़ें भी देखी हैं, इतनी एजेड लेडीज़ हैं, 82-85 एंड दे आर वॉकिंग बाई देयर ओन, जो कि बहुत अनबिलीवेबल है। हमारे घर में हमारी मदर्स होती है 50-60, काम वाली बाई आती है और काम करती है, और मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत पॉजिटिव लगी। आपको और क्या अलग लगा? जैसे सोसाइटी में एक फिनोमिना अभी जो फैला हुआ है, खासकर गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर, डेरा सच्चा सौदा को लेकर, आपने विजिट किया है, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या बताना चाहोगे सोसाइटी को? यहाँ पर आकर अभी मैंने रिसेंट सत्संग भी सुना है, तो उसमें भी गुरुजी ने यही बोला था, लड़कियों को पॉजिटिविटी दो और उनको अच्छा इंसान बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही आपकी जनरेशन को चला सकते हैं। यहाँ अगर मुझे एक चीज़ और समझ आई, लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती है, बिकॉज़ यहाँ पर मैंने बहुत सारे पोस्टर्स देखे हैं जिसमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं गर्ल्स को, मैंने शायद बाहर इतना सुना नहीं था जितना मुझे यहाँ आकर पता लगा है। तो लड़कियों को लेकर बहुत पॉजिटिव है डेरा सच्चा सौदा, और मुझे अभी 2-3 लोगों ने और बताया है, यहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूशन गर्ल्स हैं उनको भी लेकर आया जाता है, उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है, उनकी शादी तक कराई जाती है। ये बहुत अनबिलीवेबल चीज़ है, मतलब दिस इज़ वेरी रिमार्केबल, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप? देखो जब कोई कुछ अच्छा करता है ना, तो उसके ऊपर लगते ही हैं। आप क्लास के अगर मॉनिटर हैं ना और आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपके ऊपर बहुत एलिगेशन लगाते हैं। एंड अगर गुरुजी ड्रग माफिया वालों को, तो कितना थ्रेट उनको, कितना थ्रेट उनको खुद को भी हो रहा है, तो वो कैसे चुप रहेंगे जब गुरुजी प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज़ को हटा रहे हैं, ड्रग्स को ख़त्म कर रहे हैं, वो चाहते कि दुनिया अल्कोहल फ्री बने। तो इन सब चीज़ों से तो गुरुजी को इतना थ्रेट दिया ही जा रहा होगा, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो चीज़ें हुई हैं, अगर कोई इंसान इसको वन डायरेक्शन में लेकर देखेगा ना अब गुरुजी की साइड से, तो शायद ये बहुत गलत किया जा रहा है जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। मोस्ट इम्पैक्टफुल चीज़ आपको क्या लगी जो सोसाइटी के लिए, मतलब डेरा सच्चा सौदा की तरफ से या संत जी की तरफ से की जा रही है? संत जी की तरफ से एक नहीं, काफ़ी सारी हैं, बट उन सब में से मैं एक चीज़ कहूँगी, जो अपनी जो जनरेशन है आज की, यूथ जनरेशन है, सभी लोगों को नहीं कहूँगी, जो यूथ जनरेशन है, बेसिकली गुरुजी ने उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी डाल रखी है ना, क्योंकि मैंने उन्हें दोस्तों को देखा है, उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी डाल रखी है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो हम पार्टीज़ में जाते हैं तो हम अल्कोहल लेते हैं, कुछ दोस्त वो लोग उनके साथ बैठकर भी वो चीज़ नहीं कंज्यूम करते, तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज लोग कहते हैं ना संगति का असर पड़ता है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ है कि वो अपने गुरुजी की बातों में इतना कंट्रोल्ड है, जो कि बच्चे आजकल पेरेंट्स के में भी नहीं होते, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल थिंग फॉर मी। मैम एक बात ये भी आ रही थी कि यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं,
आपने कैसा मैसेज नहीं किया? ये बिल्कुल गलत है। मैंने इनफैक्ट आज यहाँ आकर देखा, यहाँ पर अच्छे से डॉक्टर्स लोग भी आए हुए हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड है, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं और वेल ड्रेस्ड हैं। इवन ऐसा भी नहीं है कि अनएजुकेटेड लोग हैं, और मैंने काफ़ी इनके बारे में रिसर्च भी की थी जब मेरे दोस्तों से पता लगा था, तो मैंने देखा था उसमें कुछ इनके सफाई अभियान एंड ऑल भी चलते हैं दिल्ली और जगह जगह पर। मैंने देखा वहाँ पर काफ़ी वेल एजुकेटेड लोग भी थे जो साफ सफाई कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि अगर पेरेंट्स बच्चे को तो बच्चा घर के बाहर भी झाड़ू लगाता होगा, बट अगर गुरुजी ने कहा तो उनकी बातों में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रहती होगी जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अरेंजमेंट कैसा रहता है यहाँ, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल कैसा अरेंजमेंट? अभी इस पैंडेमिक को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन भी किया जा रहा है और अच्छा है। इट्स एवरीथिंग वेरी गुड है, ग्रीनरी है, शेड्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ मतलब हर एक के कम्फर्ट जोन को देखते हुए चीज़ें हैं। एजेड लोग हैं उनको थोड़ा आगे बिठाया जाता है, हो सकता है उनको कम दिखता हो, अकॉर्डिंगली इट इज़ मतलब मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा एवरीथिंग। गर्ल्स बॉयज का कैसे अरेंजमेंट? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर तो, बल्कि जो मंदिरों में अच्छी चीज़ें नहीं होती है वो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। बॉयज़ का सेक्शन बिल्कुल अलग है, इवन गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो देयर, उसी तरीके से गर्ल्स का वैसे है और वाइस वर्सा, बॉयज़ को नहीं आना अलाउड है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। आई जस्ट लव्ड इट, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा यहाँ पर विजिट करना वेस्ट हुआ है। क्या आपको लगता है सोसाइटी को ऐसे संत की, ऐसे सोशल रिफॉर्मर की ज़रूरत है? डेफिनेटली बिल्कुल ज़रूरत है, अगर लोग उनकी बातों को ध्यान लगाकर वाकई सुने। मैंने तो आज सिर्फ एक ही सत्संग सुना अपने पहली बार अपनी लाइफ में, तो मैं उससे इतना इन्फ्लुएंस हुई कि मुझे एक दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, शायद मैं जाकर अपने घर पर अपने मॉम डैड को वो चीज़ बताने वाली हूँ। आई डेफिनेटली थिंक कि लोगों को ऐसे संत की ज़रूरत है। इम्पैक्ट क्या पड़ा है, 4 ईयर्स हो गए हैं अबाउट, संत जी सोसाइटी में नहीं है, कुछ लगता है आपको उनका ना रहने से सोसाइटी के अंदर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है? अगर डेरे को देखें तो इन लोगों के कार्य तो सेम के सेम चल रहे हैं, बिकॉज जैसे इन लोगों को बताया गया होगा इनकी तरफ से, तो मुझे लगा नहीं कि ये लोग रुके हैं कहीं पर भी। इनके मेरे दोस्त हैं भी, उन्होंने रिसेंटली एक हमारे वहाँ गरीब लड़की उनकी शादी करवाई है, तो ये चीज़ें मुझे छोटी छोटी अच्छी लगती है। और गुरु जी के ना रहने से शायद एक चीज़ है जो उनके डेरा प्रेमी मिस कर रहे होंगे कि गुरु जी के लाइव सत्संग वगैरह वो नहीं सुन पा रहे होंगे। और अभी यहाँ आने के बाद इवन मैं एक बार चाहूँगी कि मैं भी एक बार डेरे में आऊँ जब गुरु जी खुद आ जाए, तो मैं भी उनसे एक बार मैं उन्हें खुद लाइवली देखना चाहूँगी। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? आई वुड रियली से कि ऐसे संत को ज़रूर छोड़ देना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये जो भी एलिगेशंस लगाएंगे गलत है। जो इंसान प्रोस्टिट्यूशन जैसी लड़कियों को लाकर उनके ट्रीटमेंट्स कराकर उनकी शादी करवा रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाना इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। चीज़ों को अच्छे से छानबीन करना चाहिए और मेरे हिसाब से सदगुरु जी को छोड़ देना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार हम आपको पब्लिक सर्वे दिखा रहे हैं, जो यूथ है वो भी क्रेज से कह रहा है कि संत जी की सोसाइटी को ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है आज यूथ उसको मिस कर रहा है और अपील कर रहा है कि जो भी एलिगेशंस हैं उनके द्वारा से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और संत जी सोसाइटी में वापस आने चाहिए। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, महिम को आगे लेके जाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।